नमस्कार, न्यूज आज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं रत्नेश सोनी। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला बोल्ड राइफल टीम ग्वालियर के समीप टेकनपुर में प्रशिक्षण ले रही है। 3 महीने चलने वाले इस कठोर प्रशिक्षण में महिलाओं ने साबित कर दिया कि बात साहस की हो या शक्ति की, वह किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। सीमा सुरक्षा बल के टेकनपुर प्रशिक्षण केंद्र में 44 महिलाओं को राइफल साधने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बल की 5,000 महिला प्रहरियों में से इन 44 महिला प्रहरियों को इस प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है। 5.5 किलो वजन की राइफल को सहजता के साथ साधना कोई आसान काम नहीं है। इन महिलाओं ने यह जज्बा दिखाया, जिसके हौसले को अफसरों ने सम्मान दिया और देश में पहली महिला बोल्ड राइफल टीम तैयार होने लगी। टेकनपुर में प्रशिक्षण ले रही महिला प्रहरी वजनी राइफल के साथ बड़ी सहजता के साथ कर्तव्य दिखाती और संभालती नजर आ रही हैं। ये उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। महिलाओं को राइफल के साथ ये ट्रेनिंग सुजीत सिंह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी काम में कमजोर नहीं है, इस प्रशिक्षण का यही उद्देश्य है। जो ये चयन है, ये जो हमारा जो सीमा सुरक्षा बल है, इसमें जितनी भी महिलाएं हैं, जो अप्रोक्स आज के दिन में 5,000 के आसपास हमारे पास महिला प्रहरी हैं, उनमें से ये 44 का हमने चयन किया है। जो इस डेमोंस्ट्रेशन को करने की इच्छुक थी, उनको यहाँ पे बुलाया गया है और इनको हम 3 महीने के लिए ट्रेनिंग देंगे। 3 महीने ट्रेनिंग देने के उपरांत, जिस प्रकार हमारी जेंट्स की बोल्ड्स टीम है, वैसे ही एक महिला बोल्ड्स टीम बनाई जा रही है, जो कि ये दर्शाती है कि हमारी जो महिला प्रहरी हैं, वो हमारे जो जवान हैं, उनसे किसी प्रकार से कम नहीं है। ग्वालियर के टेकनपुर में BSF अकादमी में महिला प्रहरियों को जो विशेष गन ट्रेनिंग दी जा रही है, वे बेहद कठिन है, लेकिन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि मौका मिले तो वो असंभव को भी संभव बना सकती हैं। महिला प्रहरी के लिए इनको जैसे ही आई थी, ये काफ़ी परेशानी भरा ट्रेनिंग है अपने आप में, क्योंकि इस राइफल का वजन ही 5.5 kg है। इसको बगैर किसी सपोर्ट के अपने मसल्स पावर से राइफल को घुमाना, स्विंग करना, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है शुरू में, लेकिन इन महिला प्रहरियों ने अपनी जिद से और अपनी लगन से अपने आप को साबित किया है। और जैसा कि अभी आपने इनकी ट्रेनिंग को देखा है, ये काफ़ी हद तक इसमें सफल हो चुकी हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा इस तरह की गन ट्रेनिंग भारत में केवल ग्वालियर के टेकनपुर में ही दी जाती है। इस गन ट्रेनिंग में शामिल सभी महिला प्रहरी बेहद होशियार, बहादुर और शक्तिशाली हैं। इस गन ट्रेनिंग में करीब हर रोज 10 घंटे अभ्यास करना पड़ता है। 5.5 किलो वजन की 303 राइफल को भी अपनी उंगलियों पर नचाया जाना कोई हंसी खेल नहीं है, जिसे महिलाओं ने अपनी मर्जी से स्वीकारा है। क्योंकि हम एक नॉर्मल लड़की की तरह आए थे यहाँ पेपर, जैसे हमको ट्रेनिंग दी गई है, हमारी इतनी हार्ड अच्छी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के वजह से हम यहाँ पे ये राइफल, जो हमारी 5.5 kg की राइफल है, इसको नॉर्मली हम घुमा सकते हैं। BSF के टेकनपुर प्रशिक्षण केंद्र में पसीना बहा रही महिलाओं की इस टीम का नाम बोल्ड राइफल टीम है। ये देश की पहली महिला बोल्ड टीम होगी। इसके पहले केवल पुरुष जवान ही ये प्रशिक्षण लेते रहे हैं। महिला प्रहरी इस गन ट्रेनिंग को 3 महीने में सीखकर 15 अगस्त को इसका प्रदर्शन दिल्ली में लाल किले पर करेंगी, जो देश के लिए, देश की महिला शक्ति के लिए गौरव का क्षण होगी। BSF प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर ग्वालियर से न्यूज आज के लिए भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। न्यूज आज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज आज।